फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपका अपना चैनल टू टॉय में। दोस्तों आज हम फिर से आ चुके हैं एक बिल्कुल नए जंगल में खिलौनों की तलाश में। देखो दोस्तों कितना सुंदर जंगल है। जंगल तो सुंदर होता है, उससे ज़्यादा होता है जंगल में खतरा। दोस्तों पिछली वीडियो में आप लोगों को दिखाया खून चूसने वाला कीड़ा, बहुत कुछ था जंगल के अंदर, फिर भी हम आ चुके हैं रिक्स लेकर अरे भाई दो दो खिलौना आते ही, वो देखो एक खिलौना दूर से दिख रहा है, वो देखो वहाँ पे खिलौना है दोस्तों। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आते ही हमें एक खिलौना दिखा है। तो चलो पहले जो हमारे सामने है इसे ही देख लेते हैं। देखो दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है, आप लोग ही बताइए। तो ट्रॉली वाला ट्रैक्टर है, पर इसका आगे का व्हील हमें गायब हुआ दिख रहा है दोस्तों, ये देखो। तो चलो जो भी हो, टॉय तो मिला है दोस्तों, हमें टॉय ही चाहिए, टूटा हो या कुछ भी हो हम लेकर ही जाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे दोस्तों। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्त लोग, और वीडियो देखते वक्त वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे। तो चलो इसे यहाँ पे छोड़ते हैं क्योंकि ये सबसे सुरक्षित जगह लग रहा है मुझे देखने पर। तो चलो इसे यहाँ पे रखते हैं और ये कौन सा खिलौना है इसे देख लेते हैं पहले। देखो दोस्तों कहाँ पे ये परा हुआ है दोस्तों, कितना सुंदर खिलौना है ये। तो CNG ऑटो रिक्शा है, पर इसका तो एक भी व्हील हमारी नज़र में नहीं आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे तो कुछ भी अटैच नहीं है इसका नीचे का व्हील। तो देखो बॉडी कंडीशन तो बढ़िया लग ही रहा है, बॉडी कंडीशन सच में बढ़िया ही है दोस्तों। इसमें और कहीं से भी टूटा फूटा या कुछ खराबी कुछ नहीं दिख रहा है दोस्तों, तो ये ठीक ही लग रहा है। जस्ट इसका व्हील मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो चलो इसे भी हम यहीं पर ही छोड़ते हैं क्योंकि यही सबसे सुरक्षित जगह है यहाँ पर। तो चलो देखते हैं और आगे चल के हमें और क्या खिलौने मिलते हैं दोस्तों। देखो अरे भाई साहब, अरे कितना कुछ दिख दोस्तों, अरे इतना कुछ मिलेगा ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। ये देखो यहाँ पे खिलौना, यहाँ पे खिलौना, यहाँ पे तो कलेक्टिंग बाकेट के अंदर कितने सारे व्हील्स। ये देखो और एक खिलौना, यहाँ पे और एक खिलौना आसपास, ये देखो। अरे सच में यार, ये जंगल में आके तो हमारा बहुत फायदा हुआ। देखो यहाँ पे भी खिलौना और आसपास कुछ है, ये देखो यहाँ पे भी कुछ है। तो चलो ये कौन सा खिलौना है ये देख लेना। देखो दोस्तों ध्यान से, ये क्या है आप लोग देखिए, कितना नुकीले कांटे है। देखो दोस्तों ये कांटेदार पेड़ दिख रहा है आप लोगों को, देखो ये खिलौनों को प्रोटेक्ट कर रहा है ये कांटेदार पेड़। ये हमें यहाँ से खिलौना ले जाने नहीं देगा दोस्तों, इस वजह से ये यहाँ पे पहारा दे रहा है दोस्तों। तो चलो कोई बात नहीं, हम कोशिश तो करेंगे इसे निकालने का, तो बहुत ध्यान से हमें निकालना है। ये देखो हमने निकाल लिया दोस्तों, ये कितना सुंदर एक खिलौना है। देखो आप लोग इतना सुंदर खिलौना, और यहाँ पे जंगल में क्या बात है यार। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हाई स्पीड पावर रेसिंग बिग व्हीकल्स। दोस्तों ये तो बहुत पावरफुल लग रहा है मुझे देखने से ही, सच में पावरफुल है। ये देखो फास्ट लिखा हुआ है, बिग व्हीकल फास्ट पावर रेसिंग हाई स्पीड। दोस्तों सच में ये देखकर ही लग रहा है ये बहुत पावरफुल एक कार है, ये मुझे देखने से जीप कार लग रहा है दोस्तों। तो चलो जो भी हो, इसमें तो कोई खराबी या टूटा फूटा कुछ नहीं। ये देखो ऊपर हेडलाइट भी दिया हुआ है, ये दोनों लाइट शायद कम पड़ रहा है इस वजह से ऊपर भी लाइट लगा हुआ है, बहुत पावरफुल लग रहा है। देखो दोस्तों आप लोगों को भी देखने में मजा आएगा ये खिलौना, ये जीप कार है दोस्तों, बहुत प्यारा एक कार है। तो चलो इसे हम साइड में यहाँ पे रखते हैं इन सभी खिलौनों के पास। तो चलो अब देखते हैं एक एक करके कौन कौन सा खिलौना हमारे लिए वेट कर रहा है। ये कौन सा खिलौना है देख लो, ये देखो थोड़ा पत्ता लगा हुआ था, अरे यहाँ से तो टूटा है दोस्तों, JCB तो यहाँ से टूटा हुआ है, तो हम क्या करें, टूटा हुआ है तो ये तो हम चिपका नहीं पाएंगे क्योंकि हम ग्लू लेके नहीं आए दोस्तों, और हमारे पास ग्लू भी नहीं है। तो चलो जो भी जैसे भी मिला है वैसे ही ले जाएंगे। इसका व्हील नहीं है, एक भी व्हील इसमें नहीं है दोस्तों, क्या जाने कहाँ पे बाकेट के अंदर व्हील है कि नहीं पता नहीं। बहुत बढ़िया JCB है, इसका बाकी पार्ट्स बाकी कंडीशन तो मुझे बिल्कुल ठीक ठाक ही लग रहा है, कोई खराबी और नहीं दिख रहा है दोस्तों। तो चलो इसे भी हम यहीं पे रख देते हैं इन सभी खिलौनों के पास। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट खिलौना जो कि है, ये कौन सा खिलौना है, अरे भाई कितना बड़ा खिलौना है रे भाई, इतना बड़ा खिलौना मिलेगा ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। ये देखो CNG लिखा हुआ है, शायद ये ट्रक CNG का कंफर्टेबल ट्रक है दोस्तों। देखो ये CNG से चलता है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है CNG क्लीन सिटी ग्रीन सिटी सिटी डंप डेंजर नो स्मोकिंग
नो ओपन फ्लेम। दोस्तों ये देखो कितना बढ़िया हमें एक ट्रक मिला है। देखो इसका भी एक भी व्हील नहीं है, पर बाकेट के अंदर बहुत बड़ा बड़ा व्हील देखा है मैंने, शायद इसी का ही ट्रक का व्हील है। दोस्तों ये देखो, और कहीं से भी ये टूटा फूटा तो नहीं लग रहा है। दोस्तों ये कहीं से भी और टूटा फूटा नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। तो चलो इसे भी हम ये सुरक्षित जगह में रख देते हैं। देखो कितना सुंदर लग रहा है ना दोस्तों, बहुत सुंदर लग रहा है। तो चलो और देखते हैं ये कौन सा। अरे भाई कितना सुंदर, पहले हम इसे देखेंगे, ये बहुत क्यूट लग रहा है देखने से। तो दोस्तों देख लो, ये तो मुझे नैनो कार जैसा लग रहा है, ये तो शायद नैनो ही है, पर इतना सुंदर खिलौना ये जंगल के अंदर, क्या बताओ दोस्तों आप लोगों को। देखो कितना सुंदर है ये, देखो इसका अंदर का इंटीरियर का कलर देखो दोस्तों, बहुत बढ़िया है। और ये डोर क्या, हाँ दोस्तों दोस्तों शायद क्या ये डोर तो ओपन भी होता है। देख लो दोस्तों डोर ओपन भी होता है, हमें डोर खुलने वाला एक नैनो कार मिल चुका है दोस्तों। बहुत मच्छर भी काट रहा है साथ में, सुबह से तो बहुत बारिश हो रहा है, बारिश होने के बाद मच्छर का आबादी क्या जाने कहाँ से आ जाता है इतना। ये देखो दोस्तों ये नैनो कार बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। देखो इसमें एक तो कोई खराबी या टूटा फूटा कुछ नहीं दिख रहा है, इसमें सभी व्हील अटैच्ड है। तो दोस्तों चलो इसे भी जाकर यहाँ पे रख देते हैं, रख दिया। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट जो कि है ये ट्रक। देखो दोस्तों ये तो ट्रक ही है, मैंने सही गेस किया था, देखो ट्रक ही है। ये देखो लिखा हुआ है हैवी ड्यूटी ट्रक। अरे भाई कितना काटेगा, एक मच्छर तो मुझे बहुत परेशान कर रहा है दोस्तों। ये देखो यहाँ पे फ्यूल टैंक है, अरे इस साइड में फ्यूल टैंक, ये देखो साइलेंसर, ये देखो इसका सामने का बम्पर, और साइड में ये देखो यहाँ पे भी साइलेंसर है, यहाँ पे भी फ्यूल टैंक। वाह दोस्तों दो दो फ्यूल टैंक वाला हमें एक ट्रक मिला है, वो भी बढ़िया कंडीशन में है, इसमें भी कोई खराबी या टूटा फूटा तो कुछ नजर नहीं आ रहा है दोस्तों। तो चलो एक काम करते हैं, इसे हम लेकर वो साफ जगह पे रख देते हैं। ये देखो यहाँ पे रख दिया। सच में दोस्तों बहुत मच्छर काट रहा है, मुझे जल्दी जल्दी खिलौना यहाँ से निकालना है और चले जाना है। ये कौन सा खिलौना है देखते हैं। ये देखो ये कौन सा खिलौना है देख लो दोस्तों। ये देखो रोड रोलर लिखा हुआ है, रेडी टू राइड, रेडी टू वर्क दोस्तों, यहाँ पे शायद लिखा हुआ था। हाँ दोस्तों यहाँ पे रेडी टू वर्क लिखा हुआ था, इसका स्टिकर थोड़ा छिल गया। तो देखो इसका तो पीछे का व्हील गायब है। अरे भाई साहब इतना काट रहा है, मैं तो पागल हो रहा हूँ। ये देखो ये रोड रोलर का पीछे का दो व्हील गायब है, बाकी कंडीशन सच में बढ़िया ही लग रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम या टूटा फूटा कुछ नहीं दिख रहा है दोस्तों। तो चलो इसे हम एक काम करते हैं बाकेट के अंदर ले लेते हैं, और देखो बाकेट आप लोगों को बाहर चल के दिखाते हैं। ये देखो बाकेट, बाकेट से ये निकाल लेते हैं पहले। ये देखो बाकेट में अब सिर्फ आप लोगों को व्हील से दिखाई देगा। देखो कितने सारे व्हील्स है यहाँ पे, बहुत सारे व्हील्स है दोस्तों, बहुत सारे खिलौने मिले हैं, बहुत सारे व्हील्स तो मिलेगा ही। हमें अभी तक तीन खिलौना सबसे बढ़िया मिला, उसमें कोई खराबी नहीं था। एक तो था हमारा ये ट्रक, ये ट्रक को उठा लेते हैं बाकेट के अंदर, और था ये हमारा नैनो, नैनो को भी ले लेते हैं। ये था हमारा जीप कार, जीप कार को भी यहाँ पे रख देते हैं। ये तीनों खिलौने बहुत बढ़िया कंडीशन में मिला था, बाकी सारे कुछ कुछ प्रॉब्लम था। तो हम अटैचमेंट पॉइंट पे चलेंगे और आप लोगों को अटैचमेंट करके ज़रूर दिखाएंगे दोस्तों। तो चलो बाकेट के अंदर ले लेते हैं सभी खिलौनों को। ये देखो रोड रोलर को ले लिया, ये ट्रैक्टर आ जाएगा बाकेट के अंदर। ये देखो ये है हमारा आखिरी खिलौना जो कि है हमारा CNG ऑटो रिक्शा। तो दोस्तों देख लो हमारा बाकेट बिल्कुल फुल हो गया। अब हमें सभी खिलौना यहाँ से ले जाना है और अटैचमेंट पॉइंट पे जाके हमें अटैचमेंट कर देना है। तो चलो दोस्तों रेडी हो जाओ अटैचमेंट देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों। तो चलो कर देना यार, तो हम चलते हैं अटैचमेंट करने, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलेंगे अटैचमेंट में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। तो चलो दोस्तों देखो हम घर भी पहुंच गए, अब हमें अटैचमेंट करना है और आप लोगों को दिखाना है। हम फटाफट बाकेट के अंदर से खिलौनों को निकाल लेते हैं, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देखते वक्त वीडियो को एक लाइक करके हमारे साथ जुड़ जाओ दोस्तों। हम आपको एकदम इजी प्रोसेस में दिखा देंगे कि खिलौना कैसे अटैचमेंट करना है। तो ये देखो हमारा सब नया नया खिलौना जो कि एकदम परफेक्ट कंडीशन में था, ये देखो निकाल लिया, बहुत बढ़िया कंडीशन में था ये तीनों खिलौना। तो चलो फटाफट बाकेट को सीधा कर लेते हैं, ये देखो सीधा कर लिया, जिससे कि हमें आसानी हो अटैचमेंट करने में। तो अटैचमेंट करना है हमें सबसे पहले कौन सा अटैचमेंट करूं दोस्तों,
एक काम करता हूँ, जेसीबी को सबसे पहले अटैचमेंट करता हूँ, ठीक है। जेसीबी को अटैचमेंट करना है हमें सबसे पहले। इसका तो एक भी व्हील नहीं था, पर बाकेट के अंदर मुझे ये व्हील देखकर ना जाने क्यों लग रहा है ये जेसीबी का ही व्हील है। देखता हूँ, हाँ दोस्तों मुझे लग रहा है कि जेसीबी का ही व्हील है। देखो एकदम परफेक्टली लग रहा है ना, ये जेसीबी का ही व्हील है। तो चलो एक बार अटैचमेंट करके देखता हूँ दोस्तों, ये इसका ही व्हील है कि नहीं। दोस्तों ये इसका ही व्हील है, देखो उतार नहीं रहा है, खोल नहीं रहा है दोस्तों। तो चलो अब क्या करना है हमें, हमें इसका ये देखो और एक व्हील, ये रॉड वाला व्हील चाहिए था हमें, क्योंकि यहाँ पे छेद है। ये देखो रॉड वाला व्हील भी जेसीबी का व्हील है, पर पीछे वाला व्हील के मुकाबले ये थोड़ा छोटा है। तो चलो मिल तो गया, ये देखो ये छेद में हमने ये रॉड को डाल दिया। अब हमें थोड़ा घुमा लेना है यहाँ से, ये देखो घुमा लिया। अब देख लो दोस्तों, ये है हमारा पीछे का व्हील, ये यहाँ पे जाएगा इस रॉड में, डाल दिया। अब हमें और एक आगे का व्हील ढूंढना, ये शायद हो सकता है, हाँ दोस्तों यही है। ये देखो मिल गया, यहाँ पे जस्ट डाल दो। ये देखो हमारा जेसीबी अटैचमेंट बिल्कुल कंप्लीट है। तो जेसीबी को हम थोड़ा चलाकर आप लोगों को दिखा देते हैं। देखो बहुत बढ़िया तरीके से ही चल रहा है दोस्तों, ये एकदम परफेक्टली रेडी हो गया। तो परफेक्टली रेडी हो गया तो इसे हम फटाफट से साइड में रख देंगे। ये देखो यहाँ पे रख देते हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है जेसीबी देखने में। तो चलो आते हैं हमारा नेक्स्ट अटैचमेंट, जो कि है हमारा ये सीएनजी ऑटो रिक्शा। सीएनजी ऑटो रिक्शा का प्रॉब्लम आप लोगों को दिख ही रहा होगा दोस्तों, इसका तीनों व्हील गायब है। आगे का व्हील देखो दोस्तों, यहाँ पे दो छेद है, शायद एक ही तो व्हील है, दोनों साइड से रॉड निकला हुआ होगा। तो चलो ढूंढते हैं इसका आगे का और पिछले दो व्हील। यहाँ पे आगे का व्हील कहा गया, अरे भाई ये वाला तो नहीं है, ये दो तो पीछे का व्हील जैसा लग रहा है दोस्तों, ये शायद पीछे का ही व्हील है, पर इसका आगे का व्हील कहा गया। आगे का व्हील यहाँ पे तो आगे का व्हील नहीं दिख रहा है दोस्तों हमें, अरे भाई साहब शायद आगे का व्हील नहीं है दोस्तों इसका। ये देखो ऑटो रिक्शा मिला है आगे का व्हील के बिना। हमने सब कुछ देख लिया दोस्तों, पर बाकेट के अंदर हमें अभी तक नहीं दिखा है इसका आगे का व्हील। आगे का व्हील कैसा होगा दोस्तों, ये देखो ये जो व्हील होता है, नॉर्मली आपको एक व्हील दिखा देता हूँ। ये देखो ये साइड से, एक साइड से रॉड निकला हुआ है, क्योंकि हमें ये छेद में डालना पड़ता है। ये देखो इसी छेद में दिखा कर देता हूँ आप लोगों को, ये देखो डाल दिया, ऐसे डालना पड़ता है। पर ऑटो रिक्शा का व्हील ये मिडिल में जाता है दोस्तों, जिसकी वजह से इसका दोनों साइड से रॉड निकला हुआ होता है, पर ऐसा वाला व्हील बाकेट के अंदर एक भी नहीं है। इसका मतलब दोस्तों ये ऑटो रिक्शा का व्हील मिसिंग है। तो चलो पीछे का दो व्हील ही लगा देते हैं, और क्या करना है दोस्तों, नहीं मिला तो क्या करेंगे हम। तो चलो फटाफट इसे अटैच कर देते हैं यहाँ पे। ये देखो ऑटो रिक्शा अटैच कर दिया, ऑटो रिक्शा का पीछे का दो व्हील तो लग गया, पर माफ कर देना दोस्तों हमें आज इसका व्हील नहीं मिला है आगे का। तो चलो कोशिश करते हैं कुछ दूसरी जुगाड़ करके इसका आगे का व्हील हम लगा पाए या ना पाए। तो लगा पाएंगे तो आपको जरूर दिखाएंगे बनाकर, ठीक है दोस्तों। तो चलो इसे भी साइड में रख दिया। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट अटैचमेंट, जो कि है हमारा ये ट्रॉली वाला ट्रैक्टर। ट्रॉली वाला ट्रैक्टर का प्रॉब्लम बहुत सिंपल वाला प्रॉब्लम था दोस्तों, इसका आगे का दो व्हील खुला हुआ था, इसका व्हील हमें तो बाकेट के अंदर दिखाई था, कहा गया ये देखो ये खुद ब खुद बाहर आ गया अटैचमेंट के लिए। ये देखो रॉड को हमें इस छेद में डालना है, ये देखो इस छेद में डाल दिया, ये देखो दूसरी साइड से निकल भी गया, ये देखो यह दूसरी साइड से निकल भी गया। और एक व्हील इसका ढूंढना है, ऐसा वाला व्हील और एक कहा गया भाई, ये देखो ये देखो ये निकाल लिया, बाकेट के अंदर था, ये यहाँ पे जस्ट डाल देना है। ये देखो डाल दिया, डालने से ये बिल्कुल रेडी हो गया, परफेक्टली एकदम रेडी। तो चलो इसे भी हम साइड में रख देते हैं, साइड में रख दिया दोस्तों। अब क्या करना है, अब हमें और एक अटैचमेंट करना है, ये रोड रोलर हम पहले अटैच करते हैं, ठीक है दोस्तों। रोड रोलर का प्रॉब्लम क्या था देख लो, ये इसका प्रॉब्लम था पीछे का दो व्हील खुला हुआ था, इसका व्हील तो हमें ढूंढना है। इसका व्हील तो ये वाला तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये दो बचा है। तो चलो देखते हैं ये दो इसमें अटैच होता है कि नहीं, ठीक है। अरे भाई साहब इतना मच्छर, क्या बताओ दोस्तों, मुझे तो मॉर्टिंग लेके आना पड़ेगा जंगल में खिलौना ढूंढने, क्योंकि दोस्तों मच्छर इतना परेशान करते हैं ना दोस्तों। आप लोगों को कुछ बोलना चाहता हूँ, कुछ बोल देता हूँ दोस्तों, क्या बताओ, तो थोड़ा माफ कर देना दोस्तों इधर उधर हो जाए तो। तो चलो हम फटाफट ये व्हील को अटैच कर देते हैं, ये देखो यहाँ पे अटैच कर दिया एक व्हील को। अब आते हैं दूसरा वाला व्हील की तरफ, ये देखो ये व्हील जस्ट यहाँ पे डाल देना है, ये देखो दोस्तों
ये डालने पर बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ये रोड रोलर देखो बिल्कुल परफेक्टली रेडी है। तो चलो रेडी है तो हम इसे भी साइड में रख देंगे। ये देखो साइड में रख दिया दोस्तों। देखो रोड रोलर कैसा दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है ना दोस्तों। एक साथ चारों खिलौना बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। तो चलो आते हैं हमारा आखिरी अटैचमेंट जो कि है हमारा सबसे बड़ा वाला अटैचमेंट सिटी ड्रम। सिटी ड्रम का क्या प्रॉब्लम था दोस्तों, इसका एक भी व्हील नहीं था, तो हमें इसका सभी व्हील को अटैच करना है। तो अटैच करने से पहले हमें थोड़ा मच्छर मार लेना चाहिए, क्योंकि मच्छर होंगे तो हम ठीक तरीके से अटैच नहीं कर पाएंगे। तो चलो हटा दिया, कुछ तो गया। तो चलो ये देखो, ये एक रॉड वाला व्हील निकाल लिया। अरे भाई साहब इतना मत काटो रे। ये देखो एक व्हील रॉड वाला और एक व्हील निकाल लिया, और ऑलरेडी इंजन से एक रॉड निकला हुआ है। ये पीछे का व्हील है, ये सबसे आखिरी में हम अटैच करेंगे। तो पहले अटैच करते हैं आगे वाला व्हील को। ये देखो आगे वाला व्हील का छेद है, यहाँ से इस छेद में डाल दिया दोस्तों, और दूसरी साइड से निकल गया। अब क्या करना है, दूसरी टाइप से ये दूसरी साइड से जो निकला है रॉड को, इस रॉड में हमें ये व्हील को डाल देना है। ये देखो डाल दिया दोस्तों। सच में बहुत मच्छर काट रहा है, बहुत। इसे भी हम मच्छर वाला जंगल घोषित कर देंगे आज से। तो चलो ये आगे का व्हील लग गया। ये देखो ये मिडिल वाला व्हील है, इसे इस छेद में डालना है। ये देखो इस छेद में डाल दिया, दूसरी वाली छेद से निकाल लिया। ये देखो निकल गया। अब हमें इस रॉड में व्हील को डाल देना है। ये देखो ये डाल दिया दोस्तों, ये तो कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, दो व्हील और बचा हुआ है, अब इसे हमें ये आखिरी वाला रॉड में अटैच कर देना है। तो चलो देखो दोस्तों, देखो आप लोग ही देखो कितना ज्यादा मच्छर है यहाँ पे। इतना काटेगा तो मैं कैसे बचूंगा, आप ही बताइए। डेंगू हो सकते हैं, मलेरिया भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो चलो इसे थोड़ा मार लेते हैं। नहीं मरा दोस्तों, क्योंकि मेरे हाथ से कुछ नहीं मरता। ये देखो ये हमने अटैच कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसे थोड़ा घुमा लेना है। ये देखो घुमा लिया, और ये व्हील को हमें इसके आखिरी में अटैच कर देना है। ये देखो ये व्हील लगकर देखो कितना बढ़िया लग रहा है दोस्तों। ये अटैचमेंट बहुत बढ़िया तरीके से हो गया। ये सिटी डम ट्रक भी हमारा बिल्कुल रेडी है। सिटी डम दोनों तरह से देख लीजिए, घुमाकर दिखा दिया आप लोगों को। उस साइड पहले दिखाया, अब इस साइड देख लो, बहुत बढ़िया लग रहा है ना दोस्तों। चलो इसे हम इस साइड में रख देते हैं। देखो हमारा टोटल 5 अटैचमेंट था दोस्तों, 5 खिलौना अटैचमेंट करके आप लोगों को दिखा दिया। और देखो सबसे बढ़िया बढ़िया जो खिलौना मिला था आज का हमारा, ये है हमारा सबसे बढ़िया वाला खिलौना जो कि था हमारा ये जीप कार। जीप कार का कोई प्रॉब्लम तो हमें नजर में ही नहीं आया था, क्योंकि इतना फ्रेश खिलौना है, क्या बताऊं आप लोगों को दोस्तों। बहुत ही बढ़िया खिलौना है, देखो इसका व्हील कितना बड़ा है, बहुत ही बढ़िया खिलौना मिला था। तो चलो इसे भी हम साइड में रख देते हैं इसके पास। ये देखो रोड रोलर के पास रख दिया, बहुत बढ़िया लग रहा है। अब हुआ हमारा 7 खिलौना। तो चलो आते हैं हमारा नेक्स्ट खिलौना जो कि है हमारा ये ट्रक। ट्रक का दोस्तों क्या बताऊं आप लोगों को, ये ट्रक सच में बहुत ही बढ़िया ट्रक था। ये देखो इसका अंदर का इंटीरियर देखो दोस्तों, स्टेयरिंग तो ब्लैक कलर के, पर इंटीरियर व्हाइट कलर में सच में बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया एक ट्रक था ये। तो चलो ट्रक भी बहुत बढ़िया ही था। तो ट्रक का सब कुछ दिखा दिया। इसका कलर देखो दोस्तों, पिंक ग्रीन ऑरेंज ब्लैक एंड व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन है इसका, बहुत बढ़िया। तो चलो इसे भी हम, इसे कहाँ पे रखूँ, इसे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा दोस्तों, इसे यहाँ पे रखता हूँ। और देखो दोस्तों ये है हमारा आखिरी वाला खिलौना जो कि है नैनो। नैनो का तो कोई प्रॉब्लम नहीं था दोस्तों, इसका एक खासियत था कि इसका डोर भी ओपन होता है। देखो डोर भी ओपन होता है, चारों डोर ही ओपन होता है इसका। ये देखो दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये देखो ये भी खुलता है और ये भी खुलता है, सभी खुलता है दोस्तों। तो चलो नैनो कार तो बहुत बढ़िया ही था, इसे भी सामने रख देता हूँ। ये देखो बाकेट बिल्कुल खाली है, बाकेट को इसके पीछे रख देता हूँ दोस्तों। तो अब देख लो एक साथ सभी खिलौना कितना सुंदर लग रहा है ना दोस्तों। एक बार आप लोगों को गिनती कर बता देता हूँ कि हमें कितना खिलौना मिला था। ये जीप कार 1, रोड रोलर 2, ये हमारा ट्रॉली वाला ट्रैक्टर 3, ये है हमारा सीएनजी ऑटो रिक्शा 4, ये जेसीबी 5, ये सिटी ड्रम 6, और ये है हमारा हेवी ड्यूटी ट्रक 7, और ये है हमारा नैनो कार 8। तो टोटल हमें आज मिला था 8 खिलौना दोस्तों। बहुत बढ़िया बढ़िया ही खिलौना था, बहुत मजा आया खिलौना ढूंढने में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी बहुत मजा आया दोस्तों। तो ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाओ। बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो आने वाला है दोस्तों।
तो तैयार हो जाओ सब्सक्राइब करके। तो आप लोगों के लिए फिर से एक नए मजेदार वीडियो के साथ आते हैं, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।